कोरोना का कहर थमते ही अब एक बार फिर उपचुनाव की हलचल तेज होती दिखाई पड़ रही है, जहां खंडवा बुरहानपुर लोकसभा में नए सांसद के लिए होने वाले उपचुनाव से पहले अब अरुण यादव ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जहां निनोवे निमाड़ के सियासी गलियारों में एक्टिव नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना कहर थमते ही तेज हुई उपचुनाव की हलचल। उपचुनाव की आहट होते ही एक्टिव हुए अरुण यादव। निमाड़ के सियासी गलियारों में एक्टिव नजर आ रहे अरुण यादव। राजनीति के साथ ही सामाजिक गतिविधियों का बन रहे हिस्सा। सियासत में समय अक्सर अवसर लेकर आता है, और इन दिनों एक ऐसा ही अवसर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के लिए आने वाले समय में उपचुनाव बनकर आने वाला है, जहां पिछले कई सालों से सत्ता और संगठन से दूर होते चले जा रहे अरुण यादव के रास्ते अब एक बार फिर खुलते नजर आ रहे हैं, जहां आने वाले समय में खंडवा लोकसभा से होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से अरुण यादव के मैदान संभालने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। यही कारण है कि इन दिनों अरुण यादव भी राजधानी भोपाल से लेकर खंडवा बुरहानपुर के साथ रहे पूरे निमाड़ में एक्टिव नजर आ रहे हैं, जहां वे उन लोगों के घर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंच रहे हैं जिन लोगों ने अपनी जान कोरोना के चलते गंवाई थी। बात की जाए तो दिवंगत सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के निधन के चलते खाली हुई खंडवा लोकसभा सीट से अरुण यादव का पुराना संबंध रहा है, जहां एक बार फिर हाईकमान से मिले इशारे और अपने पुराने अनुभव के सहारे अरुण यादव अपनी किस्मत आजमाने को तैयार नजर आ रहे हैं, जहां समय समय पर इस बात का संकेत खुद अरुण यादव भी देते नजर आ रहे हैं। चार बार में चुनाव से लड़ा, जो दिशा निर्देश पार्टी का होगा, जो पार्टी तय करेगी, चुनाव को लेकर जो भी इलेक्शन प्रिपरेशन की तैयारी होती है वो तो पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। माननीय कमलनाथ जी का दिशा निर्देश सबको प्राप्त हो चुका है, प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है, प्रभारी लोग अपने अपने क्षेत्र जाकर कांग्रेस को घेर करने का काम कर रहे हैं। उपचुनाव चार उपचुनाव है, उसके बाद फिर मिशन 23 की तैयारी होती है। बहरहाल अब देखना लाजमी होगा कि अक्सर संभावनाओं के इर्द गिर्द घूमने वाली सियासत में अरुण यादव की किस्मत उनका कितना साथ देती है, और यदि किस्मत ने साथ दे भी दिया तो निर्माण की जनता अपना कितना भरोसा एक बार फिर अरुण यादव पर जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।